भी मिस नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो तरीके बता रहा हूं वैसे जाकर आपको कुछ केस, जो केस स्टडीज पूछी गई हैं, उनको पलट कर क्या है देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि वेदर यू आर बीइंग असेस्ड और योर थॉट्स आर बीइंग असेस्ड, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। मैंने भी आपसे कहा कि मैं मूल्यांकन का विषय हूं, मेरे काम मूल्यांकन के विषय हैं, ये एक चीज है, और मेरे विचार मूल्यांकन के विषय हैं, ये दूसरी चीज है। पहला आइडेंटिफिकेशन का यही बिंदु है। और आप कैसे पढ़ें, कैसे इसको करेंगे कि आप क्या करेंगे, आप मुख्य सचिव हैं, उत्तराखंड के हालात हैं, वहां पर भूस्खलन हो रहा है, कई बीआईपी फंसे हुए हैं, पॉलिटिकल प्रेशर है कि हमारे रिश्तेदारों को बचाओ, चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा। अब यहां पर चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा, ये चीफ सेक्रेटरी के दहेज पर विचार नहीं पूछे जा रहे हैं, यहां चीफ सेक्रेटरी की इंटीग्रिटी का सवाल है। Hence, when you are being assessed, it is clearly the case of integrity. तो पहला जो सेवन स्टेप में पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, पहचान किसको पहचानना, केस स्टडी के प्रकार को आप पहचानिए। उसमें पहचान में पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहले यह देखा जाए कि आपका मूल्यांकन किया जा रहा है, आपके कार्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है, या आपके विचारों का। आपके विचारों का। अब देखिए यहां पर उदाहरण ले रहा हूं जिससे चीजें ये होंगी, और इसमें आईएएस की उदाहरण ले रहा हूं, ऐसा ही कुछ पीसीएस में भी मंजर होगा। जब आप, अभी मैंने आपसे कहा कि पहली लाइन और लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़िए, मैं यहां पर पहले सिंपल उदाहरण ले रहा हूं। पहली लाइन इसमें क्या है, पीछे वाले बच्चे अगर नहीं देख पा रहे हैं मेरी आवाज के साथ चलेंगे, अपने मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आप जज किए जाते हैं। और लास्ट में आप देखिए कि इस परिस्थिति का सामना होने पर आप क्या करेंगे, योर एक्शंस आर बीइंग असेस्ड हियर नॉट योर थॉट्स, एंड व्हेनेवर योर एक्शंस आर बीइंग असेस्ड दैट इज क्लियरली द केस ऑफ इंटीग्रिटी। आप क्या करेंगे, करना ड्यूटी है, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी इक्वल टू ऑनेस्टी प्लस ड्यूटी। तो जब आप कुछ करेंगे तो यू आर बीइंग जस्ट वेदर यू हैव परफॉर्मड योर ड्यूटी आर नॉट, आपने अपनी ड्यूटी की कि नहीं की। तो अगर ये चीज मुझे क्लियर है कि मैं यहां पर जो मेरा मूल्यांकन हो रहा है वो मूल्यांकन मेरे कार्यों का हो रहा है, तो मेरी सोच वहां पर क्या हो जाएगी बताइए। अब मैं इंपार्शियल स्पेक्टेटर नहीं बन सकता, इंपार्शियल स्पेक्टेटर नहीं बन सकता। जैसे आप पूछेंगे कि सर नींद आने पर क्या करना चाहिए क्लास में, अगर कुछ लोगों को आ रही है नींद तो समझ जाए। और दूसरा कि सर आपको जब नींद आती है तो आप क्या करते हैं, दोनों सवाल बहुत अलग है। एक में आप मुझे चेक कर रहे हो कि आपको नींद आती है तो आप क्या करेंगे, और दूसरे में नींद संबंधी नींद रोकने के मेरे विचारों को आप समझ लें। हिंदी और इतिहास के बच्चे जो क्लास में बैठे हैं बुरा नहीं मानेंगे, सिद्धांत तो नहीं पढ़ते हैं, इसलिए जब सैद्धांतिक रूप से अंतर करने वाली चीजें आती हैं तो बच्चों का तो छोड़ दीजिए, मास्टर भी सारी चीजें उसी को कर रहे हैं। आप देखिए दहेज पर मेरे विचार, धूम्रपान पर मेरे विचार, शराब पर मेरे विचार, भारत की ओपन स्काई पॉलिसी पर मेरे विचार, करप्शन पर मेरे विचार, और जब मैं किसी करप्ट प्रैक्टिस में मैं खुद इन्वॉल्व हूं तब मेरा द
दृष्टिकोण दोनों में बहुत अंतर होता है। तो जैसे ही आपको आएगा आपको समझ जाना है कि यहाँ कमीशन ने घंटी बजा दी। अब मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, स्टार्टिंग लाइन शुरुआती लाइन क्या होगी, चार पांच प्रकार होंगे, लिखिए उसको, ये आपको पहचानने के लिए टिप्स दे रहा हूँ। स्टार्टिंग लाइन एंड कंक्लूडिंग लाइन, आरंभिक पंक्तियां और अंतिम की पंक्तियां, ऐसे डॉट 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 लिखिए। आरंभिक पंक्तियां क्या होगी, एक अधिकारी होने के नाते इस तरह से पंक्तियां होंगी, अधिकारी होने के नाते। और अंतिम पंक्तियां क्या होंगी, आप क्या करेंगे, ठीक है। अब इसमें कई चीजें हैं, कई हैं, जैसे इंग्लिश वाले वर्जन को अगर लेंगे, जस्टिफाई योर एक्शंस कहा गया। अब यहां पर कि अब ये कई बार क्या है कि आपसे एक्शन के बारे में पूछा जा रहा है लेकिन व्यक्ति दूसरा है, लेकिन लिखोगे तो आप ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि राकेश के बारे में पूछा गया कि महेश के बारे में पूछा गया कि सुरेश के बारे में पूछा गया, राकेश को या रामेश्वर के बारे में पूछा गया, सलाह मेरे पास वो लेने आ रहा है, तो जो मैं बताऊंगा वो तो मैं अपने ही एक्शंस बता रहा हूं ना। तो जो 2018 की केस स्टडी है इसमें आप देखेंगे ये राकेश वाली, ये भी दरअसल क्या है, इस परिस्थिति में क्या अनुक्रिया करनी चाहिए। तो ये सवाल का उत्तर भी जब मैं लिखूंगा तब भी तो मैं यही बताऊंगा ना कि मुझे क्या करना है, एक्शंस मेरे क्या होंगे, ये भी इंटीग्रिटी रिलेटेड है। तो इसमें अगर नाम भी होगा तो भी आपको ये नहीं कि सर ने कोई कहा था कि जहां आप ही केवल हो वहीं पर इंटीग्रिटी की चेकिंग होती है, ऐसा नहीं है। अब एक दूसरा यहां पर मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो एक तो आप आइडेंटिफाई ये करेंगे। अब इसमें देखिए दूसरा उदाहरण ले रहा हूं कि कैसे चीजें अलग हो जाती हैं। ये वाला सवाल आप पढ़िए इस स्थिति का, यह एक राज्य है जिसमें शराबबंदी लागू है और लास्ट में है कि नियंत्रित करने के लिए आप कौन सा नया उपागम अपनाएंगे। हियर योर एक्शंस आर नॉट बीइंग जस्ट, आपके कार्य यहां पर नहीं चेक किए जा रहे, व्हाट इज द अप्रोच, आपका अप्रोच क्या होगा, उपागम क्या अपनाएंगे। ये प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ से जुड़ी हुई है, पब्लिक पॉलिसी से जुड़ी हुई है, ये इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई नहीं है। आप पहचान पा रहे हैं, कोई सवाल कोई शक कुछ भी होगा आप क्लास में पूछ लेंगे, क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई किताब नहीं बनी है, किताब मेरी आ रही है उसमें आप पढ़ेंगे, लेकिन तब तक मेंस नजदीक आ जाएगा। यहाँ पर आप ये कि कौन सा नया उपागम अपनाएंगे, तो इसमें उपागम आ गया ना, तो मेरे विचार कि भाई शराबबंदी लागू है और इसको कानून व्यवस्था की समस्या के दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है, लेकिन ये समस्या सामाजिक आर्थिक शैक्षिक ये सब है, ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। और इसको इसके लिए कौन सा नया उपागम अपनाएंगे, अब एक नया उपागम मैं बता देता हूँ, नहीं तो आपके मन में ये कीड़ा उबलता रहेगा कि कुछ तो नया कुछ सर ने बताया नहीं। भगवत गीता से प्रभावित एक स्वाध्याय आंदोलन गुजरात में हुआ। गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में जो मछुआरे थे वो बहुत शराब पीते थे, और शराब पीते थे तो डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज्यादा होता था और एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा होते थे जब वो मछली निकालने के लिए गहरे समुद्र में जाते थे। तो स्वाध्याय आंदोलन वालों ने उनको प्रीचिंग देना शुरू किया। प्रीचिंग देने के बाद 6 महीने 1 साल बाद फिर कुछ सर्वे हुए और देखा गया कि उनकी शराब की आदत जो है वो कम हुई है, और उसके बाद एक ऐसा भी लेवल आया जिसमें स्वाध्याय आंदोलन का इतना प्रभाव हुआ कि शराब छूट गई उनकी, उनका पारिवारिक जीवन क्या हुआ, बेहतर हुआ। अब एथिक्स के पेपर में एटीट्यूड है, मैं सब कुछ चलता है वाला एटीट्यूड लेकर जी रहा हूं कि बड़ा भाई पिए तो ठीक है, छोटा भाई पिए तो क्या खराबी, मैं भी पी रहा हूं, जैसे एक होता है ना हमारा एटीट्यूड होता है, एक एटीट्यूड होता है जीरो टॉलरेंस, अगर पिया तो बहुत बुरा होगा, ये जीरो टॉलरेंस एटीट्यूड है, और एक है कि सब कुछ चलता है, सब चलता है यार, पीना उना इतना बुरा नहीं है, तुम नहीं पीते हो तुम्हारा जीना व्यर्थ है, ये भी कई बार लोग कहते, पार्टी उटी में आजकल जाइए लोग ये कहते, तो
तो एक क्या हुआ, जीरो टॉलरेंस, अगर पी लिया तो बहुत बुरा होगा, और दूसरा है कि नहीं पिया तो तुम तो इंसान हो ही, सोमपान कौन नहीं करता है। तो अब यहां पर क्या है, दो एटीट्यूड हो गए, एटीट्यूड चेंज करना है। द मेथड ऑफ एटीट्यूड चेंज इज कॉल्ड पर्सुएशन, और पर्सुएशन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें मैसेज सबसे बड़ा तरीका है। मैसेज क्या है, सबसे बड़ा तरीका है। तो वो देवदास वाला आपने डायलॉग सुना होगा कि माँ ने कहा ये छोड़ दो, गांव वालों ने कहा ये छोड़ दो, फिर लास्ट में पारो ने कहा कि दुनिया या क्या छोड़ दो। भाई बहुत सख्ती से कोई चीज नहीं छूटती है। परसुएशन का मतलब होता है कि आराम से आप क्या है, किसी का दृष्टिकोण क्या करें, बदल। तो वो स्वाध्याय आंदोलन के लोगों ने क्या किया, परसुएट कर लिया ना कि देखो यार शराब पीना ठीक नहीं। लेकिन बिहार में जो शराबबंदी लागू है वो परसुएशन है नहीं, अगर पी लिया ना तो सलाखों के पीछे जाओगे। तो यहां इसका मतलब कि हमें ये चीजें कनेक्ट करनी होगी कि हम परसुएशन वाले मेथड पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम यहां पर जैसे एक जिलाधिकारी थे, आलोक रंजन ने, मुख्य सचिव भी रहे, उन्होंने किताब लिखी कलेक्टर टूडे, उसमें उन्होंने लिखा कि कानून व्यवस्था की समस्या जो है, या कानून व्यवस्था को अच्छा बनाए रखने के लिए जिलाधिकारियों को सांस्कृतिक आयोजनों में जरूर जाना चाहिए और उसको बढ़ावा भी देना चाहिए। और उन्होंने लिखा कि जितने क्रिकेट के टूर्नामेंट होते थे उनके डिस्ट्रिक्ट में, अगर उन्हें उद्घाटन के लिए बुलाया जाता था तो वो जाते थे। उसमें उनका लॉजिक था कि यूथ की जो एनर्जी है, जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, अगर खेल कूद में होगा तो अपने आप क्रिमिनल जो ऑफेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अब ये क्या है, ये नव उपागम है, ये क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन पर वापस आते हैं, इस तरह से केस स्टडी को लेंगे। सबसे पहले क्या है कि आप देखते ही समझ जाए कि ये मामला इसमें क्या है। पहली लाइन और लास्ट लाइन को देखेंगे, स्टार्टिंग लाइन और कंक्लूडिंग लाइन देखेंगे। स्टार्टिंग लाइन और कंक्लूडिंग लाइन जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि मेरे कार्यों के बारे में पूछा जा रहा है या मेरे विचारों पर पूछा जा रहा है। अगर मेरे कार्यों के बारे में पूछा जा रहा है तो सत्यनिष्ठा से संबंधित होगा। तो दूसरी बात यहां पर लिखेंगे, पहला उनसे न तो ज्यादा फंड की मांग की, 42,000 पुलिस बल बिहार में उस समय कम थे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इतने पुलिस बलों की और नियुक्ति आप करिए तब ये हो पाएगा। उन्होंने केवल एक, और न ही उन्होंने कठोर कानून की मांग की। अभयानंद ने नीतीश कुमार से केवल एक आश्वासन चाहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। अभयानंद ने पूरी प्लानिंग की। अब देखिए अधिकारी का दिमाग कैसे चलता है। अभयानंद ने दो रणनीतियां बनाई। पहली रणनीति उन्होंने ये बनाई कि इंडियन आर्म्स एक्ट 1958 के तहत, अभी अगर दो तीन दिन पहले आपने समाचार पत्रों में देखा होगा तो गायत्री देवी जो थी वो गिरिराज वाले मामले में वो मंच पर थी और टीवी वालों ने खूब उनको उछाला था कि बताइए इनके ऊपर आर्म्स एक्ट का मुकदमा चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि समस्या क्या है, समस्या है कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, ये समस्या है। यहाँ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई है क्योंकि चीजें हो चुकी हैं, खराब स्थिति, इसका समाधान खोजना है। समाधान में यह भी हो सकता था कि फंड दीजिए, पैसे की कमी है बिहार पुलिस के पास। समाधान में यह भी हो सकता था कि कठोर कानून की जरूरत है, पटना की सड़कों पर खुलेआम अपराधी जो है बंदूक लहराते हुए घूम रहे हैं तो बिना कठोर कानून के नहीं। यह भी तो कहा जा सकता था कि पुलिस को रुतबा दीजिए, यूपी पुलिस की तरह इनकाउंटर करेगी वो, ये भी तो हो सकता था। एक तरीका योगी जी ने भी अपनाया, अभी कंपैरिजन से आपको पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस होता है और क्या चीज डिफरेंट होती है।
तो फंड, कठोर कानून, ये कुछ नहीं। उन्होंने क्या मांगा कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हम ठीक कर लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठाकर देखेंगे, 2005 में बिहार में 1764 किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस थे। एक साल में 1764 केस मायने रखता है। बिहार उसके लिए कुख्यात हो चुका था, बिहार जो है इस चीज के लिए कुख्यात हो चुका था। अब यहां पर उन्होंने क्या किया, अब देखिए रणनीति क्या उन्होंने बनाई। रणनीति में सबसे पहली बात यह कि कोई भी घटना जब भी अंजाम दी जाती है उसमें अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, और इन अवैध हथियारों को कंट्रोल करने के लिए आर्म्स एक्ट 1958 लगाएंगे। गवाह पलट जाते हैं भारत में, मुकर जाते हैं, शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं, उल्टी गवाही दे देते हैं, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया अपराधी छूट जाता है। अभयानंद ये बात समझ रहे थे। पुलिस वालों को उन्होंने मनोबल देना शुरू किया, और उस मनोबल में उन्होंने कहा कि जिन लोगों को खुलेआम अपने सामने बंदूकें लहराते हुए देख रहे हो उनके खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी, पुलिस को गवाही देनी पड़ेगी, तो पुलिस के गवाहों, पुलिस के पलटने की संभावना तो होगी नहीं। उन्होंने यह समझाया कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ आरोपितों को कचहरी के दरवाजे तक ले जाने की ही नहीं है, तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो आरोपित व्यक्ति को, अभियुक्त को सजा दिलाने की भी है। और इस तरह से उन्होंने मनोबल बढ़ाना शुरू किया। अब यहां पर इंडियन आर्म्स एक्ट 1958 के तहत सजा 3 साल की होती है, तो जैसे ही कुछ लोगों को सजा हुई वैसे ही फिजा क्या है बदलने लगी, माहौल बदलने लगा। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, उनका पेपर वर्क बहुत शानदार होना चाहिए। जब वो किसी को गिरफ्तार करें तो पेपर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, स्पीडी जस्टिस। और 2005 से लेकर 2008 तक सिन्हा साहब बिहार के डीजीपी थे और अभयानंद जो थे एडीजी थे, इन दोनों ने मिलकर 3 साल में बिहार को सुधार दिया। ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर पब्लिक पॉलिसी का केस स्टडी का विषय बना। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह इनकाउंटर नहीं किए गए, आप ध्यान दीजिए, हार्ड पुलिसिंग नहीं अपनाई गई, हार्ड पुलिसिंग का तरीका नहीं अपनाया गया, सब कुछ कानून के दायरे में हुआ। जुडिशरी और पुलिस ने मिलकर बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वर्क किया। समस्या क्या थी, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति। समाधान की रणनीति क्या थी, दो, इंडियन आर्म्स एक्ट 1958 के तहत अब मुकदमों को दर्ज करना। ये भी ध्यान दीजिए अभयानंद कितने शॉर्ट माइंडेड थे कि वह जान रहे थे कि रैंसम वाले मामले में गवाह जो होंगे वो जो हमें मिलेंगे वो समाज के होंगे, पलट जाएंगे, पुलिस का रसूख कायम नहीं होगा। तो अगर मैं सही आइडेंटिफिकेशन करता हूं प्रॉब्लम को, तो मेरा जो वास्तव में ऑप्शंस जो मैं दूंगा वो ऑप्शंस कई बार क्या होंगे, वो भी क्या है, सही होंगे। यहां पर इसलिए मैंने उदाहरण दिया जिससे आप चीजों को समझ सकें। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या है, केस स्टडी को सॉल्व करने कि आपको ऑप्शंस फाइंड करने होंगे, और ऑप्शंस फाइंड करने कहां होंगे, तो आप 2013 के पेपर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस पर क्यों बल दिया जा रहा है। आप इस पेपर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे सवाल दिए गए जहां पर कोई विकल्प था ही नहीं, विकल्प आपको बनाना था, इसका मतलब ऑप्शंस आपको क्रिएट। जैसे ये सवाल है, पीआईओ वाले इस सवाल में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको मेरिट डिमेरिट बताना है। जैसे देखिए, फॉलोइंग आर सम सजेस्टेड ऑप्शंस, प्लीज इवेलुएट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच ऑफ द ऑप्शंस। तो मेरिट और गुण और दोष बताना है, यहां पर ऑप्शंस क्या है दिए गए हैं। लेकिन यहां कुछ ऐसे भी सवाल थे जहां पर ऑप्शंस नहीं थे, आपको सीधे क्या है चीजों को देखिए, ये सवाल आपके पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध है, प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिए और
कौन सा विकल्प चुनेंगे और क्यों। अब एक बात बताइए कि जब हम किसी स्थिति पर विकल्प बनाएंगे तो क्या हम गलत विकल्प ही लेंगे या सही विकल्प लेंगे? केवल सही विकल्प। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम जब जैसे आपको जो केस स्टडी की मैंने फाइल दी है आप उसमें पहला दूसरा सवाल लीजिए, आपको इससे समझ में आएगा। यहाँ पर ठीक है, ये मैंने क्या है जो डिसीजन मेकिंग के कुछ सवाल आए हैं उनको पहले लिया है। इसमें आप देखेंगे कि पहले सवाल को मैं ले रहा हूं कि एक महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक में उपस्थित न होने के कारण आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है। आपका आसन्न अधिकारी जिसने आपको इस बैठक की जानकारी नहीं दी थी अब आप पर वह दबाव डाल रहा है रही है कि आप इसका दोष उस पर नहीं डालें। ऐसे में आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे? मैंने यहाँ पर सरल बनाने के लिए ऑप्शंस दे दिए। अगर ये ऑप्शंस हटा दिए जाए तो ऑप्शंस भी क्या करना होगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा सवाल है कि पूरी तरह से आउटराइटली रॉन्ग ऑप्शन भी आप डिजाइन करेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए, सोचकर बताइए। अधिकारी बनने जा रहे हो, कुछ सोचोगे बताओगे कुछ? जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर AK-47 लेकर इस क्लास में कोई आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसके सामने खड़े हो जाएंगे? नहीं ना, एकदम से गलत ऑप्शन नहीं ले सकते। यू कांट ब्रिंग एब्सर्डली रॉन्ग ऑप्शन, आप एकदम से गलत ऑप्शन नहीं ले सकते। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में एक बात पीटर ड्रकर ने कही है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स है, वो विकल्पों के बीच चयन है। डिसीजन मेकिंग इज जजमेंट, निर्णयन एक आकलन है, एक मूल्यांकन है। किसका मूल्यांकन है? विकल्पों का मूल्यांकन है। तो विकल्प जो है वह संभावित रूप से सही होने चाहिए, निकट रूप से सही होने चाहिए, पूरी तरह से गलत नहीं होने चाहिए। अब ये नहीं कि नंबर बढ़ाने के नाम पर आप पूरा विकल्प गलत भी लेना शुरू कर दिए वहां पर, कि मैं 250 शब्द कैसे लिखूंगा तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं गलत विकल्प भी लेना शुरू कर, ऐसा नहीं करना है। तो अब इसमें चैलेंज क्या है, चैलेंज को समझिए। आपका चैलेंज क्या है? आपसे कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे जहां मेरिट और डिमेरिट बताने के पहले जिसकी मेरिट और डिमेरिट बतानी है उसको आपको खुद क्या है सोचना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खतरनाक, सबसे चुनौतीपूर्ण चीज होगी। अगर आपने रास्ते कम सोचे तो मेरिट और डिमेरिट भी आप क्या करेंगे, कम बताएंगे। अभी उस पर भी आते हैं कि कैसे। तो ये मैंने आपको समझाया कि भाई एक दूसरी चुनौती, तो आपने क्या लिखा है लास्ट में, इसमें आप विकल्पों या कार्यवाहियों के बारे में सोचना या उनकी रूपरेखा बनाना, उसी में आगे लिखे। इस संबंध में तीन प्रकार की स्थिति हो सकती है, तीन प्रकार की स्थिति हो सकती है। पहला, कोई विकल्प न दिया गया हो, नो ऑप्शन इज गिवन। कोई विकल्प नहीं दिया गया। दूसरा, कुछ विकल्प दिए गए हो, कुछ विकल्प दिए गए हो। तीसरा, सम ऑप्शंस आर गिवन। कुछ विकल्प दिए गए हो लेकिन कुछ संभावित विकल्पों की मांग की जा रही हो, कुछ विकल्प दिए गए हो लेकिन कुछ संभावित विकल्पों की मांग की जा रही हो।
ठीक है। अब जैसे ये वाला उदाहरण जो है आईएएस 2013 का 12वां जो सवाल है वो पहले टाइप की केस स्टडी है। क्या क्या विकल्प उपलब्ध है, विकल्प भी बनाइए आप, और इसी साल के पेपर का पीआईओ वाली जो केस स्टडी है उसमें विकल्प नहीं बनाना है आपको, केवल गुण और दोष। अब आप समस्या को समझ पा रहे होंगे कि इसमें, अब जैसे इस केस स्टडी को आप देखिए तो फॉलोइंग आर सम सजेस्टेड ऑप्शंस, ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसका मेरिट और डिमेरिट केवल बता देना है, ठीक है। हम लोग जो क्रम अपनाएंगे, पहले आपको विकल्प वाला देंगे, फिर आपसे बिना विकल्प वाले पर अभ्यास करवाएं, पहले आसान फिर क्या है थोड़ा कठिन और फिर आईएएस के लेवल पर, ये चीज भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये भी बात है कि विकल्प को हम डिजाइन कैसे करेंगे, जैसे हर्बर्ट साइमन की अगर बात करें तो पहला उन्होंने कहा था कि डिसीजन मेकिंग में इंटेलिजेंस एक्टिविटी होती है और फिर होता है डिजाइन एक्टिविटी, फिर उसके बाद क्या होता है कि हम ये तय कर लेते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है, हमें क्या हासिल करना है और उसके अनुसार हम च्वाइस करते हैं। तो यहां पर तीसरा जो टिप है, तीसरी जो टिप्स है उसको लिखिए। ठीक है, तीसरी टिप्स को लिखने के पहले समझिए कि जब आप कोई फैसला लेते हैं तो उसमें तथ्य ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या लोगों की राय। तथ्य के आधार पर निर्णय होते हैं, राय के आधार पर। अगर हम कहते हैं कि तथ्य के आधार पर होते हैं तो केस स्टडी में जितने तथ्य दिए गए क्या उससे बाहर जाकर हम गूगल खोलकर और तथ्य जोड़ेंगे, वहां पर नहीं जोड़ सकते। इसलिए हर्बर्ट साइमन से ज्यादा दूर निकलते हुए पीटर डकर ने कहा कि लोग ये समझते हैं कि वी अराइव एट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंसस ऑफ द फैक्ट, हम तथ्यों की संगति के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि हम डाइवर्जेंट ऑप्शंस, हम विभिन्न रायों और उनके टकराव के बाद किसी निर्णय पर ज्यादा अच्छे तरीके से पहुंचते हैं। अधिकारी को चार लोगों से राय लेना चाहिए और चापलूसों से बचना चाहिए जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए, काउंटर व्यू भी उसको लेना चाहिए, और चार ओपिनियन लेने के बाद डाइवर्जेंट ओपिनियंस उनको फिर वो रिकाउंसिल करके डिसीजन उसको लेना चाहिए, फैक्ट के आधार पर डिसीजन नहीं होते। एमएस धोनी की लीडरशिप पर कोई डाउट नहीं है, क्रिकेट में अगर देखा जाए, क्रिकेटिंग नॉलेज के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर्स हैं जिनके पास क्रिकेटिंग नॉलेज या फैक्ट ज्यादा है, लेकिन डिसीजन मेकिंग ज्यादा सही किसकी होती है, एमएस धोनी। तो यहां पर नेक्स्ट जो तीसरी जो बात है जो आपको ध्यान में रखना है, कॉमन सेंस से सोचेंगे तब ये बात आएगी कि मैं इतिहास लूं एक ओपिनियन, इतिहास नहीं लूं दूसरा ओपिनियन, मैं भूगोल ले लूं तीसरा ओपिनियन, ये क्या हुआ, ये ओपिनियंस हैं। और क्या मैं वैकल्पिक विषय लेने के पहले मैं पूरा 6 महीना शोध करता हूं इतिहास वैकल्पिक विषय के चुनाव के तथ्य, भूगोल वैकल्पिक विषय के चुनाव के तथ्य, ऐसा मैं नहीं करता। इसलिए जिंदगी को आसान बनाइए, ओपिनियंस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर तीसरा लिखिए, फोकस डाइवर्जेंट ओपिनियंस, विभिन्न रायों पर फोकस करना बजाय की तथ्यों पर, रादर देन फैक्ट्स, विभिन्न रायों पर विभिन्न विचारों पर फोकस करना बजाय की तथ्यों। ठीक, अब आप समझ लीजिए कि अकबर ने नवरत्न क्यों रखे थे, 9 तरह की सलाह, आपके पास भी अच्छे दोस्त होने चाहिए जो आपको सही सलाह दे सके।
वरना तीन साल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई विषय पढ़ने के बाद तीसरे साल जाकर पता लगता है कि इस विषय में मेरा इंटरेस्ट तो था ही। ये बहुत गड़बड़ स्थिति होती है। इसलिए जो है यहाँ पर देखिए, जिंदगी में परामर्श का बहुत महत्व होता है और सचिव की जो पोस्ट है वो इसीलिए बनाई ही गई। सचिव क्या करता है? परामर्श ही तो देता है, एडवाइज ही तो करता है। राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ईएसआर सुब्रमण्यम ने किताब लिखी नेता राज और बाबू अंचल, उसमें राम नरेश यादव ने, यादव जी ने टीएसआर सुब्रमण्यम को बुलाया अपने पास, कहा कि देखिए महोदय, मैं बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि फैसले सब क्या हों सही। उन्होंने लिखा कि वैसे नरम सौम्य मृदुभाषी नेताओं का भारत में धीरे धीरे क्या होता जा रहा है पता लगता है, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्यूरोक्रेट्स को भीतरी सारी चीजें क्या है पता है। और फाइल से लेकर बहुत सारी चीजों पर राय कौन देता है? ब्यूरोक्रेट्स देते हैं। अगर हमने कॉमन या एक ही तरह के लोग हमारे साथ हैं तो वो जो राय देंगे वो राय भी तो एक ही तरह की होगी। इसलिए हमेशा क्या है कि डाइवर्जेंट ओपिनियंस जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग को क्या करते हैं सही कर। तो जब आप ऑप्शंस को क्रिएट करने जाएंगे तो आप सोचेंगे कि डाइवर्जेंट ओपिनियंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि मैं करूं कि ना करूं, या बीच की कोई स्थिति हो सकती है। और इसको कॉमन सेंस ही सोचना होगा। इसको कई बार डिस्कस करने पर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे बहुत सारे हम लोगों ने केस स्टडी पढ़ाते समय बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों के आंसर से भी आए, या कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसमें ऐसा भी किया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि वो उस पर्सपेक्टिव से भी क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। तो यहाँ पर ये भी है, अखबार भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक पर्सपेक्टिव वहां पर मिल गया। तो ओपिनियंस को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जब आप ऑप्शंस को बनाएंगे, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ऑप्शंस क्या है बनेंगे। तो ये तीन हुआ। चौथी टिप्स लिखिए, विभिन्न विकल्पों का नैतिक आधार पर मूल्यांकन करना है। नैतिक आधार पर मूल्यांकन करना, अब यहां पर हमने ले लिया नैतिक आधार। देखिए हम लोग क्या किस तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको गुण दोष बताना आना चाहिए कि जैसे इसमें ये मेरिट है और ये क्या है डिमेरिट यहां पर। और मेरिट डिमेरिट बताने में भी आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपको बेसिस बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें होती हैं। यहां पर मैं सिंपल चीज तीन बातें बता रहा हूं। कुछ फैसले करने में हम उपयोगिता को ध्यान में रखते हैं, लेकिन कुछ फैसले करने में हम लोगों के अधिकार को ध्यान में रखते हैं, और कुछ फैसले करने में हम न्याय को ध्यान में रखते हैं। जैसे अगर एक गांधी आश्रम से तीन लोगों को निकाल दिया जाए तो सैलरी के कम होने की वजह से ये गांधी आश्रम चल जाएगा, तो तीन लोगों की छटनी सात लोगों की नौकरी बनाए जाने के हित में है। तो ये उपयोगिता या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित ये बताता है कि ये फैसला आर्थिक दृष्टि से सही होगा, लेकिन आपको भी पता है कि सामाजिक दृष्टि से ये फैसला ठीक नहीं होगा। छटनी का कभी भी सामाजिक स्तर पर समर्थन नहीं किया जा सकता। तो फैसले का आधार क्या हो गया? उपयोगिता। कई बार हम इसी पर कहते हैं कि इनको फांसी देना जरूरी है ताकि लोग डर सकें, ऐसा काम फिर करते हुए लोग डर सकें, इसी में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। उपयोगिता के आधार पर मृत्युदंड का क्या हुआ? हमने यहाँ पर जजमेंट किया, उपयोगिता के आधार पर यह होता है। लेकिन अगर झारखंड की एक कोयले की खदान में एक व्यक्ति फंस गया हो और 5 लाख रुपया मुआवजा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देने के लिए तैयार हो,
और वो ये कह रहे हैं कि खदान में भीतर जाने पर वो मिलेंगे नहीं, 48-72 घंटे हो चुके हैं, तो भी उसके जीवन का अधिकारी मांग करता है कि चाहे 10 लाख खर्च हो चाहे 12 लाख खर्च हो, उसकी जो भी स्थिति हो, घायल हो या कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें वो जीवित नहीं पाया जाए, फिर भी उसे बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, हम उपयोगिता के आधार पर फैसले नहीं लेंगे। ध्यान रखिए, जहां जीवन के प्रश्न होंगे वहां कभी भी उपयोगिता के आधार पर फैसला नहीं लेना है केस स्टडी में। जहां पर किसी कर्मचारी के एक्सीडेंट, घायल होने, मृत्यु आदि का मसला है, वहां पर नियम नहीं, वहां पर उस व्यक्ति के वास्तव में जीवन को आधार बनाया जाता है। ये दूसरा आधार लिया मैंने। तीसरा जस्टिस का, कि अगर हम कोई चीज बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, तो वितरण के कुछ नियम हैं और उनके आधार पर बंटवारा होना चाहिए, वही न्यायपूर्ण बंटवारा होगा, फेयरनेस। तो अब यहां पर क्या है कि जो हम ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे, तो हमारे पास एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस किसके आधार पर होगा, कि वेदर वी शुड गो फॉर द यूटिलिटेरियन ऑप्शन, कि हम कई बार कुछ चीजों का समर्थन इस आधार पर करते हैं उसकी उपयोगिता अच्छी है, हम कई बार कुछ चीजों का समर्थन उपयोगिता के आधार पर नहीं करते हैं। तो यहां जब मेरिट और डिमेरिट बताना होगा, एक तो आपको यह पता होना चाहिए, इसके साथ ही केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली में आपको पढ़ाऊंगा, उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उससे भी आपको दिशा मिलेगी कि किस स्थिति में क्या करना चाहिए, किस स्थिति में क्या करना चाहिए। जैसे कि एक अधिकारी को कभी भी मौखिक आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमेशा उसका आधार क्या हो जाना चाहिए, लिखित होना चाहिए। तो चौथा आपने ऑप्शन लिख लिया, इसमें तीनों चीजें लिख रही है, फैसले, डिसीजंस, निर्णय, उपयोगिता, अधिकार और न्याय के मानक पर आधारित होते हैं। फैसले, डिसीजंस, उपयोगिता, अधिकार और न्याय के मानक पर आधारित होते हैं। एक और चीज है कि किसका समर्थन करेंगे, तो दो चीजें होंगी, या तो वन ऑफ द बेस्ट का समर्थन करेंगे या बेस्ट ऑफ ऑल का करेंगे, ये होता है। या तो हम कहते हैं कि भाई ये सबसे कम बुरा है, जैसे आपको बनारस जाना है प्रयागराज से, आप रोडवेज पर गए, आपने देखा कि दो खराब बसें लगी हुई हैं, तो दोनों में जो कम खराब होगा उस पे आप बैठेंगे ना। तो कई बार हम जो भी उपलब्ध रहता है उसमें हम देखते हैं। तो यहाँ दोनों चीजें, तो अब नेक्स्ट इसमें आइए कि ऑप्शंस में क्या भी निर्णय लेना है, ऐसे विकल्पों को, अगला, ऐसे विकल्पों को आधार बनाना या समर्थन करना जो सबसे अधिक अच्छे हो या अच्छे में से एक हो, अच्छे में से एक हो। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पर क्या, जैसे आप गुण दोष देंगे तो आपको रीजन भी देना पड़ेगा, अभी रीजन पर भी आते हैं, सॉल्व करने में आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जब रीजन देने के लिए जाएंगे तो रीजन देने का बेस ही होता है कि आप कितने ज्यादा गुण किसी विकल्प के संदर्भ में ध्यान में या किसी विकल्प के संदर्भ में प्रस्तुत कर पाते हैं। तो अगर कोई चीज कानून के नजरिए से सही है, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज के नजरिए से सही है, सत्यनिष्ठा के नजरिए से सही है, वस्तुनिष्ठता के नजरिए से सही है, उत्तरदायित्व के नजरिए से सही है, ये प्रशासनिक मूल्य है, सच्चाई के नजरिए से सही है, ये मानवीय मूल्य है,
ईमानदारी के नजरिए से सही है, ये भी मानवीय मूल्य है, तो हम उसको सबसे और सबसे ज्यादा महत्व देंगे। तो कानून के नजरिए से सही है और प्रशासनिक मूल्यों के नजरिए से भी सही है और मानवीय मूल्यों के नजरिए से भी। हमारा जस्टिफिकेशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है वहां पर होगा। हम बट कहां पर जाते हैं, जहां पर कोई चीज कानूनी रूप से गलत होती है लेकिन नैतिक रूप से सही दिखती है, या कोई ऐसा भी होता है कि कानूनी रूप से सही दिखती है लेकिन नैतिक रूप से गलत दिखती है, हम वहां पर बट जाते हैं। जहां पर कानून और नैतिकता दोनों एक साथ सपोर्ट करते हैं वहां पर हमें कोई असमंजस नहीं होता, वहां पर हम फुल सपोर्ट करते हैं, नहीं ये बात क्या है, ठीक है। तो जहां लीगल और मोरल पॉइंट ऑफ व्यू जहां पर एक पॉइंट जहां कन्वर्ज करेंगे वहां पर हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए आपसे जब कन्फ्लिक्ट वाले सवाल पूछे जाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिए कि लीगल और मोरल क्या अलग अलग दिशा में जाएंगे। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था ना कि नमक कानून को नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, उनको गलत लगता था। अब वैधता लीगल वैलिडिटी से अलग वो मोरल राइटनेस पर जा रहे थे कि राइटियस है नहीं है, ये नैतिक रूप से उचित होना एक बात है और कानूनी रूप से सही होना दूसरी बात है। नमक कानून जो है वो भले ही वास्तव में ब्रिटिश शासन की दृष्टि से ठीक होगा लेकिन मैं उसे नहीं मानूंगा। यहाँ कानून और नैतिकता में क्या हो गया, अलगाव हो गया। लेकिन जहां अलगाव नहीं होगा वहां पर आप उसका उसको मानेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है। अब जैसे इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर कोई चीज बाल मजदूरी करवा कानून के आधार पर भी गलत है और एक बच्चे के पढ़ाई के कानून के आधार पर भी गलत है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत भी गलत है, और एक बच्चे के मासूम निर्दोष होने उसके व्यक्तित्व के विकास के दृष्टिकोण से भी क्या है, अनुचित है, तो कानूनी रूप से भी गलत है और नैतिक रूप से भी क्या है, गलत है। तो वहां पर हम जो रीजन देंगे वो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन यही होगा। इसलिए केस स्टडी में मैं आपको एक फॉलो एक सीक्वेंस बताऊंगा कि हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, लेकिन रीजन देने में ये बात आपको आपके कॉन्शियस माइंड में ये बात होनी चाहिए कि जो चीज लीगली करेक्ट है, लीगली वैलिड है और एथिकली स्ट्रॉन्ग है एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से और ह्यूमन वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप सबसे ज्यादा तवज्जो देंगे। तो नेक्स्ट यहां पर लिखिए, ऐसे विकल्पों का औचित्य सबसे अधिक होता है। Those options are more justifiable. ऐसे विकल्पों का औचित्य सबसे अधिक होता है जो कानूनी दृष्टि से सही होने के साथ साथ कानूनी दृष्टि से सही होने के साथ साथ नैतिक दृष्टि से उचित होते। नैतिक दृष्टि से उचित होते। अब जैसे हमने कहा नैतिक दृष्टि, तो नैतिक दृष्टिकोण में भी हम यहां पर कर रहे हैं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज हैं, प्रशासनिक मूल्य हैं, इसमें सत्यनिष्ठा उत्तरदायित्व ये सब क्या है, और मानवीय मूल्य ये नैतिक दृष्टिकोण हो गया, सच्चाई ईमानदारी नम्रता मृदुता ये सब क्या हो गए मानवीय, तो नैतिक दृष्टिकोण यहां पर है। और सातवीं बात ये कि आपको कानूनी जानकारी या कुछ कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। अच्छा आंसर लिखने के लिए कानून भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगला पॉइंट 70 में कुछ कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको समराइज करते हैं क्योंकि अलग अलग मैंने अलग अलग डायमेंशन में जाकर चीजें बताई। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहली बात क्या करना, किसी केस स्टडी के आने पर उसकी पहली और लास्ट लाइन देखिए, पहचानने की कोशिश करिए
उसकी सत्य निष्ठा से संबंधित है, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से संबंधित है, या किसी मुद्दे के समाधान पर है, पब्लिक पॉलिसी पर है, सत्य निष्ठा वाली केस स्टडी पर अलर्ट रहिए। वहाँ पर आपके कार्यों का मूल्यांकन होगा और सवाल की पहली और अंतिम लाइन से ही आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सत्यनिष्ठा वाले पर जैसे आप पहचान लेंगे, तो अभी आपको बताऊंगा कि सत्यनिष्ठा वाली केस स्टडी में सीक्वेंस क्या रखना है। तो पहली टिप्स क्या है, पहचानना, आइडेंटिफाई आपने कर दिया। आइडेंटिफाई करने के बाद फाइंड और डिजाइन द ऑप्शंस, आप विकल्प को क्या है आप उसको प्राप्त करिए। कई जगह विकल्प नहीं दिए गए होंगे, विकल्प बनाने पड़ेंगे, और कई प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर विकल्प दिए गए होंगे उनके गुण और दोष बताना होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शंस को और मैंने आपसे कहा कि ऑप्शंस बनाने में पूरी तरह से गलत ऑप्शन नहीं बनाना है, गलत ऑप्शन बनाकर नंबर नहीं मिलेगा कि आपने गलत ऑप्शन बना लिया कि ये किया जाएगा, वो टोटली रॉन्ग गए, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि जब आप विकल्प बनाते हैं तो विकल्प में राय महत्वपूर्ण होती है, तथ्य नहीं। और जितने भी बच्चे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी को पढ़ रहे हैं, आपके लिए केस स्टडी में जो फैक्ट दिए जाते हैं वो फैक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ऊपरी आवरण है। तो आप किसी भी केस स्टडी को पढ़ने के बाद उसमें कुछ प्रमुख मुद्दों को पहचानने के बाद ये सोचिए कि इस पर राय क्या हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर एक बात आपसे डिस्कस करूँ या उदाहरण लूँ कि आज हम कोई भी ऐसी विकास संबंधी परियोजना का समर्थन नहीं कर सकते जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, ठीक है ना। तो और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसके बावजूद हम न्यूक्लियर एनर्जी को भारत में क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि भारत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमें विभिन्न रायों को समझना पड़ेगा। फिर इसके साथ ही यहाँ पर कि जैसे आप विभिन्न रायों को समझेंगे तो आपके पास फिर अगला कि आपके पास मूल्यांकन करने का तरीका है कि नहीं है। मूल्यांकन करने के तरीके में यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो कि सबसे अच्छा क्या है या उनमें से एक अच्छा क्या है। फिर आप रीजंस को देखेंगे कि रीजन रीजनेबल सबसे क्या होगा, जो लीगली करेक्ट होगा, लीगली वैलिड होगा और इथिकली राइट होगा, वो सबसे ज्यादा। और इसके साथ ही एक लीगल अवेयरनेस इसी संदर्भ में आपको आना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा अभी थ्योरेटिकल चीजें और है, फिर हम लोग प्रैक्टिकल पर आते हैं। और इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा थ्योरी की कुछ चीजों को ध्यान में या कुछ प्रैक्टिकल टिप्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां पर मेरे कार्यों का मूल्यांकन हो रहा है, जहां पर मैं कसौटी पर कसा जा रहा हूं, वहां पर मैं जब किसी केस स्टडी का उत्तर लिखूंगा तो मेरा सीक्वेंस क्या होगा। जहां पर मेरी निष्ठा पर सवाल है कि कहीं मेरी निष्ठा बढ़ तो नहीं गई है, मैं जिस संगठन के भीतर काम कर रहा हूं उस संगठन के उद्देश्य और मेरी निष्ठा अलग अलग तो नहीं जा रही है। इसका मतलब यह सत्यनिष्ठा का सवाल है। सत्यनिष्ठा का सवाल हमेशा व्यक्ति के भीतर का सवाल होता है, इसलिए सत्यनिष्ठा संबंधी जितनी भी केस स्टडी होगी उसमें पहला तर्क आंतरिकता पर आधारित होगा, इनर कॉन्शस पर आधारित होगा। और इसका मैं सोर्स यूपीएससी के आधार पर ले रहा हूं कि नैतिक मार्गदर्शन के चार स्रोत होते हैं, कौन कौन से नैतिक मार्गदर्शन के चार स्रोत हैं। उसमें एक स्रोत है अंतस चेतना, दूसरा स्रोत है नियम, तीसरा स्रोत है विनियम विशेष नियम, चौथा स्रोत है कानून। सबसे ज्यादा स्ट्रांग स्रोत कौन सा होगा? जहां पर मेरी निष्ठा पर सवाल उठेगा तो मैं पहले कानून का तर्क नहीं दूंगा। जहां सत्यनिष्ठा की केस स्टडी होगी, वेरेवर आई एम चेक्ड, मैं जहां पर चेक किया जा रहा हूं वहां पर मैं हमेशा पहला तर्क आंतरिकता के आधार पर। अब इसका उदाहरण लेते हैं कि मेरा एक सहपाठी है, साथ पढ़ता भी है और दोस्त भी है। क्या सभी सहपाठी दोस्त होते हैं या सभी दोस्त सहपाठी होते हैं?
ऐसा होना जरूरी तो नहीं, इसे शब्दों पर ध्यान दीजिए, सहपाठी भी है और दोस्त भी है। और ये हम दोनों एक एग्जाम देने जाते हैं जिसमें मेरा जो सहपाठी और दोस्त है वो नकल कर रहा है। इस नकल करने के दौरान उसे पकड़ लिया जाता है और जो भी वहां पर अथॉरिटीज हैं उनका प्रेशर है कि क्लास में और जितने भी बच्चे हैं वो इस चीज को गवाही के रूप में गवाह के रूप में प्रस्तुत होकर बताएं। अब एक तरफ यहां दोस्ती है और दूसरी तरफ नकल की बुराई है। अब यहां पर जो भी मैं तर्क दूंगा वो पहला तर्क आंतरिकता के आधार पर होगा कि मेरी अंतस चेतना में सबसे पहली बात है कि अपने दोस्त के गलत होने के कारण समर्थन का नहीं बल्कि एक पश्चाताप का क्या है भाव है, इतने दिन रहा उसको नकल करने की बुराई के बारे में मैं समझा नहीं पाया। ये इनर कॉन्शस पर आधारित तर्क है, इसलिए सत्यनिष्ठा पर जब भी कोई सवाल होगा उसमें एक तर्क आंतरिकता का होगा और वो पहला तर्क होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि क्या है मामला, क्या है। यूपीएससी का उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से चीजों को समझते हैं। एक 2016 की केस स्टडी आई थी, इंजीनियरिंग की नई स्नातक आई थी, कोई केस स्टडी थी। इसमें देखिए कि कैसे जो है इंजीनियरिंग की एक नई स्नातक को एक प्रतिष्ठावान रासायनिक उद्योग में नौकरी मिली है, वह कार्य को पसंद करती है, वेतन भी अच्छा है। फिर भी कुछ महीनों के पश्चात इत्तेफाक से उसने पाया कि उस उच्च विषाक्त अवशेष को गोपनीय तरीके से नजदीकी नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। वह अनुप्रवाह में रहने वाले ग्रामीणों जो पानी की आवश्यकता के लिए नदी पर निर्भर है के स्वास्थ्य की समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। वह विचलित है और वह अपनी चिंता सहकर्मियों को प्रकट करती है जो लंबे समय से कंपनी के साथ है। वे उसे चुप रहने की सलाह देते हैं, मतलब जो पोलिटेंट है कंपनी का वो नदी में जा रहा है और उससे पानी पीने वालों का जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। जो लोग उसके साथ हैं वो कहते हैं कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नौकरी खोने का खतरा नहीं ले सकती क्योंकि वो अपने परिवार की एकमात्र जीविका चलाने वाली है तथा उसे अपने बीमार माता पिता एवं भाई बहनों का भरण पोषण करना है। प्रथमतः वह सोचती है कि यदि उसके वरिष्ठ चुप है तो वही क्यों अपनी गर्दन बाहर निकाले, और प्रैग्मेटिक होकर थोड़ा सोच रही है कि हमको क्या लेना देना है। परंतु उसका अंतःकरण, आ गया ना अंतःकरण, ये यूपीएससी की खासियत है। अंतःकरण नदी को एवं नदी पर निर्भर रहने वाले लोगों को बचाने के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। अंतःकरण से वह महसूस करती है कि उसके मित्रों द्वारा चुप रहने का दिया गया परामर्श उचित नहीं है, यद्यपि वह उसके कारण नहीं बता सकती। वह सोचती है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तथा वह आपका परामर्श पूछती है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो इस केस स्टडी में जो अभिव्यक्ति है वो इनर कॉन्शस के लेवल पर चली गई कि वो अपने इनर कॉन्शस से महसूस करती है कि दी गई सलाह क्या है उचित नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैंने क्लास में न जाने कितनी बार उदाहरण लिया है कि एक बार डब्ल्यू टी यात्रा, दो बार यात्रा, तीन बार यात्रा, जब जब टीटी ने चैलेंज दिया कि इस बार यात्रा करके दिखाओ, तब तक बच्चे ने विदाउट टिकट यात्रा की और दिखाया। लेकिन अब बच्चा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक रिसर्च स्कॉलर मान लीजिए बन गया है और अब कह रहा है कि अब यार देखो मेरा कॉन्शस अलाउ नहीं करता है कि मैं डब्ल्यू टी यात्रा करूँ। उसको ही पता है कि अगर कोई उसके पीछे पड़ेगा तो वो उसको रोक उक नहीं पाएगा क्योंकि उस विधा में वो दब है, पुलिस नहीं रोक पाएगी। पुलिस कितना रोकेगी, ट्रैफिक पुलिस कितना भी काम कोशिश करेगी, लोगों को वो रोड पर सही चलने के लिए बाध्य
नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे भीतर एक डिस्टिल्ड इनसाइट होना चाहिए कि जहां पर भी इंटीग्रिटी का सवाल होगा एक लॉजिक इनर कॉन्शस के आधार पर भी आएगा। अब मैं यहां पर आपके सत्यनिष्ठा पर आधारित प्रकरणों में या सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रकरणों में उत्तर लिखने का तरीका इतने शेडिंग दी गई। ठीक है, इसमें केवल हेडिंग बता रहा हूं, आप अपने से जोड़ लेंगे। पहला क्या है? आंतरिकता, आंतरिकता, इनर कॉन्शस। इनर कॉन्शस, आंतरिकता वाला जब आप यहां पर ये चीज करेंगे तो आप क्या अंकित करते हैं, आपके ऊपर क्या प्रभाव अंकित हो रहा है? मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग गिल्ट, ये आंतरिकता है। यह क्या है? आंतरिकता है। तो हम उस इंपैक्ट को क्या करते हैं? दर्ज करते हैं आंतरिकता में कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मंसूरी में जो बच्चे फाउंडेशन आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हैं और जब फाउंडेशन की ट्रेनिंग करने जाते हैं तो उनके लिए एथिक्स का एक मॉड्यूल बनाया गया है, वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें जब आप नेट पर देखेंगे तो उसमें दयानंद सरस्वती का एक उदाहरण है। तो उसमें उदाहरण में ये दिखाया गया है कि झूठ बोलने से क्या होता है, झूठ आपकी आंतरिकता को कैसे प्रभावित करता है। क्लास में कुछ कम झूठे लोग होंगे, कुछ ज्यादा झूठे लोग होंगे, कुछ महान झूठे लोग होंगे। झूठ तो एक हमारे भीतर डूअर आई होता है, जो झूठ बोलता है वो क्या है? डूअर आई, जो कुछ कर रहा है। और एक हमारे भीतर नोअर आई होता है। उपनिषदों में एक उदाहरण है कि दो पक्षी हैं सखा भाव से एक वृक्ष के शाखा पर बैठे हुए हैं, एक बहुत अच्छे फल को चाव से खा रहा है और दूसरा देख रहा है। तो ये जो देखने वाला वो है वो कौन है? हमारे भीतर एक साक्षी होता है। अद्वैत वेदांत एक दर्शन है भारतीय परंपरा में, वो कहता है कि साक्षी हमारे भीतर दृष्टा है। कि मैं चार लाइन निबंध की गलत लिखने के बाद या गड़बड़ लिखने के बाद, एवरेज लिखने के बाद, मेरा एक दूसरा मन है जो कहता है कि सही नहीं लिख पा रहा हूं। एक हाथ जो लिख रहा है उसके पीछे का मन, और एक जो उसका इवेल्युएशन कर रहा है वो दूसरा मन है। तो एक डूअर आई है जो कुछ कर रहा है, एक नोअर आई है। इसमें स्प्लिट पैदा हो जाए क्योंकि नोअर आई जान रहा है कि डूअर आई जो बता रहा है वो ठीक नहीं है। उलझन में रहेगा आदमी, आंखों में जलन, दिल में बियाबान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, ये होगा। महफिल में भी आदमी अकेला होगा, चेहरा उड़ा हुआ होगा कि झूठ कहीं पकड़ नहीं लिया, कैसे चादर ओढ़ लेगा आदमी चेहरे पर, भागेगा, निगाह नहीं मिलाएगा। क्या है ये? जब सच बोलते हो तो निगाह मिलाते हो, जब झूठ बोलने में कुछ लोग कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं लेकिन कितनी भी चमड़ी मोटी हो वो फेस नहीं करना चाहते, काउंटर क्वेश्चंस को ये करते, इश्यूज बदल देते, इस पर नहीं इस पर बात करते। लेकिन जो लोग पकड़ते हैं वो कहते नहीं इसी पर बात हो। ये क्या है? लाई डिटेक्टर मशीन्स, मशीन कैसे इंसान को पकड़ सकती है कि झूठ बोलते समय मस्तिष्क में जो तरंगे होती हैं वो क्या होती है? अलग होती हैं। और सही बोलते समय मस्तिष्क में तरंगे क्या होती हैं? और... नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मशीनें बहुत अच्छी अच्छी बन गई है, अच्छी से अच्छी मशीनें आ गई। तो ये यहां पर क्या है? ये तो आंतरिकता है ना,
और वो इंजीनियरिंग की नई स्नातक इसी आंतरिकता की वजह से थे। वो कह रहे कि चुप रहो, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम एकमात्र ब्रेड अर्नर हो फैमिली की, लेकिन एक भीतर का मन है जो चुप होने के लिए क्या है। इसलिए जो इनर कॉन्शस का आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट अगर यूज करेंगे आप, तो कम से कम 2 से लेकर 5 नंबर का फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको कैसे यूज करना है, उसकी भाषा क्या होगी, वो भी बहुत दुरुस्त होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपको ये कहा जाता है या कोई आप ये सोचता है कि उसके भीतर कन्फ्लिक्ट है, इसका मतलब कि उसकी इंटीग्रिटी क्या हो गई, डाइल्यूट हो गई, वो इंटरनल लेवल पर बट गया है। जैसे जो हम कहते हैं ना कि मैं भीतर से बहुत असमंजस में हूं, तो यहां पर आंतरिकता आधारित तर्क का प्रयोग करना आपको सीखना पड़ेगा। और यह आपके सिलेबस में है, यह क्या है, यह आपके सिलेबस में है। तो आपका गहरा दोस्त, कल मैं किस श्रेणी में, आज तो वो नहीं दिया है, थोड़ा उसका लेवल ऊपर है, कि आपका गहरा दोस्त अगर कोई गलत काम करके आता है, या दूसरा उदाहरण लेते हैं कि किसी परिवार में किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई क्राइम या कोई ऑफेंस हो जाता है, तो परिवार के लोग मोहल्ले में मुंह दिखाने में थोड़ा उनको असुविधा होती है। क्यों, कोई कानून थोड़े ही है, आंतरिकता वाली बात है, फेस नहीं कर पाते। तो आंतरिकता आधारित तर्क जो है, इसमें ये सत्यनिष्ठा में ये पहले क्या है, और इसमें आंतरिकता आधारित तर्क में हम बाहरी प्रभाव को अंकित करेंगे कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूं, ये जो यहां पर मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूं और एक असमंजस क्या है मेरे भीतर जन्म ले रहा है यहां पर ये। फिर दूसरा है, जब हम लॉजिक देते हैं तो लॉजिक को समझिए। केस स्टडी में आपको जब आप गुण दोष बताएंगे तो जस्टिफिकेशन आप देंगे। जस्टिफिकेशन में क्या है कि तुम्हें कुत्ते को निर्दयता से पीटना नहीं चाहिए, जस्टिफिकेशन दीजिए इसका, पीटना नहीं चाहिए, एथिकल स्टेटमेंट है। एक जस्टिफिकेशन हो गया, बहुत पाप लगेगा, ये कैसा ये धार्मिक जस्टिफिकेशन है, ये क्या है, धार्मिक जस्टिफिकेशन है। कितने निर्मम आदमी हो यार, तुम कुत्ते को किस तरह से पीट रहे हो, तो इंसान को भी तुम ऐसे ही पीटोगे। अब उसके क्वालिटी के आधार पर हम इवेल्युएशन कर रहे हैं कि हद है यार तुम, जैसे हम कहीं पर जाते हैं और कोई आदमी किसी दूसरे के साथ अगर बहुत हार्श बिहेव कर रहा है, तो एक मिनट के लिए हम सोचते हैं कि यार ये मूड में आएगा तो हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। और उसमें जो समझदार और जो देखे जो मौका परस्त लोग होते हैं वो सवाल नहीं उठाते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो तुरंत ऑब्जेक्शन करते हैं, ये कौन सा व्यवहार का तरीका है तुम्हारा। यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर निर्ममता के गुण के आधार पर एक व्यक्ति के व्यवहार का क्या कर रहा हूँ, मूल्यांकन कर रहा हूँ। तो तुम्हें नहीं पीटना चाहिए। फिर यहाँ पर एक तीसरा तर्क कि तुम्हें जीने का अधिकार है, उसको नहीं जीने का अधिकार है। जैसे एक भी जियो और जीने, तो ये भी तो है, वो भी तो प्राणी है, सर्वात्मवाद हमने मान लिया। तो जस्टिफिकेशन अलग अलग होगा। और कई बार हम बाहरी नतीजे के आधार पर किसी चीज को जस्टिफाई करते हैं, जैसे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आंतरिकता आधारित तर्क, मैं नहीं करूंगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये आंतरिकता आधारित तर्क है। दूसरा, मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि इससे लोगों को नुकसान होगा, ये वाह नतीजे आधारित तर्क है। तो दूसरा तर्क क्या होगा, वाह नतीजा। हमेशा जब आप आंसर लिखेंगे तो वाह नतीजे के संदर्भ में भी बात बताएंगे।